हमारे लिए इतना ही काफी है कि बर्ड हमारे लिए काम कर रहा है। आतिफ और तलहा कंधे उचका कर रह गए। उनका ख्याल अब भी यही था कि जो शख्स भी उनके साथ काम कर रहा है उसे उनके नजरियात से भी मुत्तफिक होना चाहिए। उन लोगों के लिए बर्ड को समझना एक मसला था। वो नहीं समझते थे कि बर्ड बजाय खुद एक मसला है। समझने का ना समझाने का एक मुहिमा है, सुलझने का ना सुलझाने का। हम यहाँ से जल्दी भी निकल सकते हैं चीफ, मगर तुम जान बूझ कर देर कर रहे हो, बर्ड ने कहा। मादाम क्लारा ही तो हमारा मसला है, उसके इतने करीब जाकर भी तुम उसे ठिकाने लगाए बगैर चले आए, मुझे हैरत है। ईगल्स में अफरा तफरी फैलाना इससे भी बड़ा मकसद है बर्ड। अगर एक मादाम क्लारा को ठिकाने लगा देने से मसला हल होने वाला होता तो मैं उसे ये सोचे बगैर ठिकाने लगा देता कि उसके बाद मैं उसके महल से किस तरह निकल सकूंगा। लेकिन फर्ज करो मैंने उसे ठिकाने लगा भी दिया तो क्या होगा, उसकी जगह कोई और ले लेगा और ईगल्स का कारोबार यूं ही चलता रहेगा। नहीं बर्ड, उसे ठिकाने लगाने से कबल ईगल्स की बुनियादें हिलाना बहुत जरूरी है। क्या सिर्फ शी गुराए में उनके चंद मराकज तबाह कर देने से उनकी बुनियादें हिल जाएंगी, बर्ड ने अजीब से लहजे में कहा। ये तुमसे किसने कह दिया बर्ड कि हम उनके महज चंद ठिकाने तबाह कर देने पर इक्तफा कर लेंगे? और फिर तुमने ये बात भी नजरअंदाज कर दी कि उनकी बुनियादें तो हिल भी चुकी। रीना सालुमन की सूरत में जो असिस्टेंट हमने खड़ा किया था वो तवक्को से बढ़कर मुफीद साबित हुआ। इस वक्त क्लारा अपने साय से भी भड़क रही होगी। अपने ग्रोह के हर फर्द के बारे में वो इसी शुबे में मुब्तिला होगी कि कहीं वो भी फाल्कन का एजेंट ना हो। रीना सालुमन और फाल्कन उसके आसाब पर सवार हो गए हैं। बुनियादी बात यही है कि उन्हें इंतशार में मुब्तिला रखा जाए। जहाँ उन्हें जरा सा भी सुकून मुयसर आता है ये लोग साजिशें शुरू कर देते हैं। फ्लोरा कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने उसे अपने तौर पर वक्त गुजारने की जो इजाजत दी थी यकीनन वो इससे भरपूर इस्तफादा कर रही होगी। कपड़े तब्दील किए बगैर बेड पर दराज हो गया। रात का खाना मैं तहजीब के साथ खा कर आया था और अभी कोई काम ही नहीं था, इसीलिए जरा देर आराम किया जा सकता था। ज्यादा देर इसलिए नहीं कि बम ब्लास्ट करने के लिए 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। ये ऐसा महफूज वक्त था जब किसी जगह किसी गैर मुतालिक आदमी की मौजूदगी का इम्कान नहीं होता था, लिहाजा जो भी तबाही फैलती उससे सिर्फ वो जराय पेशा लोग मुतासिर होते जो ईगल्स के लिए काम कर रहे थे। उन लोगों में ज्यादातर तादाद मकामी मुजरमों की थी, ईगल्स के असल गुर्गे यहूदी नस्ल। मैं आंखें बंद किए बेड पर लेटा रहा। यहूदियों की रेशा दवानियाँ रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। मुतादद सहूनी तंजीमें पूरी दुनिया में सरगर्म अमल थी और उन सब का मुतमाइन नजर एक ही था, अजीम तर इसराइल का कयाम। यहूदियों ने अजीम तर इसराइल के कयाम को मजहब का जो दर्जा दिया था उसका मौसर मुकाबला करने के लिए मुसलमानों ने कुछ नहीं किया था। सहूनी नवाज मगरबी कुवतों ने मुसलमानों को छोटी छोटी रियासतों में तकसीम करके उनकी कुवत को पारा पारा कर दिया था। उन्हें ऐसे गोरख धंधों में उलझा दिया था कि अब उन्हें किसी और तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं थी। इसराइल में फलस्तीनियों पर जो मुजालिम डाए जा रहे थे वो पूरी दुनिया में किसी से ढके छुपे नहीं थे, मगर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। अमेरिका बहादुर अलल ऐलान इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहा था। उसने इसराइल को ऐसे हथियारों से नवाज दिया था कि अब अरब मुल्कों के लिए उस पर फतह पाना तकरीबन नामुमकिन होकर रह गया था। दूसरी तरफ रूस था, उसका किरदार भी अगरचे अच्छा नहीं था तहम अमेरिका से तो बेहतर ही था। कम अज कम वो जमहूरियत का आलमी चैंपियन बनने की कोशिश तो नहीं करता था। बज़ाहिर वो इसराइल के खिलाफ और मुसलमानों के हक में था, लेकिन दरपर्दा वो भी इसराइल का हामी था। अरब इसराइल कशीदगी से फायदा उठाकर उसने अरबों को अपने कम मौसर हथियार फरोख्त किए और उनसे खूब रकम ईंठी। हर जंग के मौका पर यह साबित हुआ कि रूसी सामान हरब की अमरीकी हथियारों के सामने कोई वक्त नहीं है। दुनिया की दो सुपर पावर्स ने मिलकर इसराइल को इतना मजबूत बना दिया था कि अब उसकी शिकस्त बज़ाहिर नामुमकिन नजर आती थी, मगर वो फलस्तीनियों को दबाने में नाकाम रहे थे। फलस्तीनियों ने इसराइल की शिकस्त तक जिदोजहद का अजम कर रखा था। उनका अजम आहनी था और आहनी अजम के सामने जदीद तरीन हथियार भी बेवक्त हो जाते हैं। फलस्तीन के मजलूम अवाम की जिदोजहद सरजमीन अरब पर जारी थी और मैं अपने चंद साथियों के साथ पूरी दुनिया में उनका मुकाबला कर रहा था। यहूदियों ने मुझे अपना दुश्मन नंबर एक करार दे दिया था। मैं ही उनके मायानाज एजेंट ओलियू हावर्ड के कत्ल का जिम्मेदार था और अब उसका एक नाम निहाद जानशीन मेरे मुकाबिल था। मोशे हावर्ड और गोल्डन ईगल्स के नामों से पहचाने जाने वाले इस शख्स का असल नाम रैंडल था और वो मुझे अपने लिए ओलियू हावर्ड से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता नजर आ रहा था। उसका पसे पर्दा रहकर काम करने का तरीका उसे ज्यादा महफूज बनाता था, लेकिन वो किसी भी वक्त मैदान अमल में उतर सकता था।
इसका अंदाजा उस वक्त हुआ जब वो अचानक ही कर्नल शवालू के मेकअप में गोटे हिल एयरपोर्ट पर नमोदार हुआ और फिर उसने मेरा कामयाब अगवा कर लिया। अगर मैंने अंदाजे से उसे ना पहचान लिया होता तो मैं भी इसी खुशफहमी का शिकार रहता कि वो फील्ड एजेंट नहीं है बल्कि ऐसा बिग बॉस है जो कुर्सी पर बैठकर अहकामात सादिर करने के अलावा कुछ और नहीं करता। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन मुझसे इंतकाम लेना था, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं था कि वो कुछ और कर ही नहीं रहा था। जजीरा मर्ग पर मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह दहशतगर्दों की फौज तैयार की जा रही थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि रैंडल और कौन कौन से मंसूबों पर काम कर रहा है। गोटे हिल एयरपोर्ट से अगवा के बाद से अब तक खासे नशेबो फराज आए थे। जजीरा मर्ग पर 6 माह का अरसा गुजारने के बाद मैं रैंडल को झांसा देकर निकला तो जनरल टैरिस धोखा खा गया और ये समझ कर मुझे कैद कर दिया कि मैं खुदा न खास्ता यहूदियों से मिल गया हूँ। तहजीब और बड़ ने मुझे इस कैद से निजात दिलाई। फिर डेविड रियान मुझसे मिल गया। रैंडल ने उसे कत्ल कराने की कोशिश की थी, बस उसी मकाम से मेरा पल्ला भारी हो गया। डेविड रियान से हासिल होने वाली कीमती मालूमात की रोशनी में मैंने एक मिशन तरतीब दिया था। रैंडल तक पहुंचने के लिए मैंने वही तरीका कार अपनाने का फैसला किया था जिस पर वो खुद अमल पैरा था। मुझे अच्छी तरह याद था कि जब तहजीब ने मुझे उसके बारे में मालूमात फराहम की थी तो वो बोगस साबित हुई थी। रैंडल ने कहा था कि तहजीब को वही कुछ मालूम हो सका जो रैंडल ने चाहा। गोया पहली बार उसने तहजीब को मुकम्मल शिकस्त से हमकिनार किया था, लेकिन अब मैंने बसात उलट दी थी। रैंडल की हिकमत अमली को मैं खुद उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि वो खुद कहाँ होगा, लेकिन मुझे ये यकीन था कि वो जहाँ भी होगा सुकून से नहीं होगा, शीघ्राई में रूनमा होने वाले हालात से पूरी तरह बाखबर होगा। रीना सालुमन ने उसकी रातों की नींद और दिन का सुकून लूट रखा होगा। मादाम क्लारा की हालत तो मेरे सामने थी, और फिर उन लोगों के लिए एक मुसीबत और भी थी जिसे मैं गोटे हिल में छोड़ाया था। उस मुसीबत का नाम था बंसडले। मादाम क्लारा अभी बंसडले के लगाए हुए चरके से संभलने भी नहीं पाई थी कि उस पर रीना सालुमन नाजिल हो गई, जो उसे नुकसान पहुंचाए जा रही थी, मगर उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था और ना ही मिलने की उम्मीद थी। बंसडले की तरफ तो वो उस वक्त तवज्जो देते जब उन्हें रीना सालुमन से निजात मिलती। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और फ्लोरा अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी तकरीब से आ रही है। तुम कब आए, उसने सोफे पर बैठते हुए कदरे बेरुखी से कहा। काफी देर हो गई, मैंने कहा, लेकिन तुम कुछ नाराज लग रही हो। खैरियत तो है, मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, उसने मुंह फुलाकर कहा। अगर चंद दिन और तुम्हारे साथ गुजारने पड़ गए तो खुदकुशी करने की हद तक बोर हो जाऊंगी। बात क्या हो गई, मैंने हैरत से कहा। मैंने तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं आयद की, तुम कहीं भी जाने आने के लिए मुकम्मल तौर पर आजाद हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझ पर जो पाबंदियां मादाम क्लारा की जानिब से आयद कर दी गई हैं, उनका क्या होगा, फ्लोरा ने मुझे घूरते हुए कहा। मैं क्राउन क्लब चली गई थी, वहां मादाम क्लारा का फोन आ गया और मुझसे जवाब तलबी की गई कि मैं तुम्हें छोड़कर होटल से क्यों हटी। ये पहला मौका है कि किसी से इस तरह बराह रास्त जवाब तलबी की गई हो, और अब मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ। ठीक है, मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मैं मादाम क्लारा को मुत्तला कर दूंगा कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, ताकि मुझसे तुम्हारी जान छूट जाए। फ्लोरा बेयकीनी से मुझे देखने लगी। तुम्हें मालूम है इसका नतीजा क्या होगा, उसने कहा। मुझे तुमसे अलग कर दिया जाएगा और तुम अपनी लक से महरूम हो जाओगे। जबरदस्ती के सौदे मुझे कभी पसंद नहीं रहे। अगर तुम मेरे साथ इस कदर नाखुश हो तो मजबूरन मुझे वही करना पड़ेगा जो मैंने कहा है, खा इसका नतीजा कुछ ही क्यों ना निकले। नहीं, फ्लोरा हकलाई, तुम मादाम क्लारा से कुछ नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहूंगा, मैंने उसे घूरा। मुझसे ये बात बर्दाश्त हो ही नहीं सकती कि कोई शख्स अपनी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती मेरे साथ रहे। तथा तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तुम्हारे साथ नाखुश तो नहीं हूँ। कैसे नाखुश नहीं हो, मैंने आंखें निकाली। तुम्हारे चेहरे के तासरात तुम्हारे अल्फाज का साथ नहीं दे रहे, उसे अंदाजा हो गया कि बात बिगड़ चुकी है। वो समझ रही थी कि मैं उसकी खुशामद करूंगा, इसलिए कि वो मेरी मजबूरी है। आखिर मैंने उसे अपनी लक करार दिया था, उसके ख्याल में ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं उससे दस्तबरदार हो जाता, इसलिए वो नखरे दिखा रही थी, रूठने का मुजाहरा कर रही थी ताकि मैं उसे मनाऊं। औरत खास दुनिया के किसी खित्ते से क्यों ना ताल्लुक रखती हो, उसकी ख्वाहिश यही होती है कि उसे चाहा जाए, वो रूठे और कोई उसे मनाए। फ्लोरा को यकीन था कि वो रूठेगी तो मैं उसे मनाऊंगा, उसकी खुशामदे करूंगा, लेकिन मेरा बरक्स रद्देअमल देख कर वो बौखला गई। बौखला इसलिए गई कि औरत होने के सिवा उसकी हैसियत और भी थी जिसे उसने फरामोश कर दिया था, और वो हैसियत थी ईगल्स की कारकुन की। अपनी इसी हैसियत में वो किसी ऐसे हुक्म से इनकार नहीं कर सकती थी जो उसे ईगल्स की तरफ से मिला हो।
मैं इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था कि उसकी पोजीशन कितनी नाजुक है, इसीलिए मैं भी फैल गया था। बात अब कुछ और हो गई थी। अब मैं उसकी जरूरत था। उसे मुझ पर नजर रखने का हुक्म मिला होगा। मुझ पर नजर रखने के लिए उससे बेहतर और कौन हो सकता था। लेकिन अगर मैं उसकी शिकायत कर देता तो उसे सख्त सजा मिलती। कुछ अजब नहीं कि उसे ईगल से निकाल बाहर किया जाता। एक मामूली सी जिम्मेदारी पूरी ना कर सकने के बाद ईगल्स में उसकी मौजूदगी का जवाब भी नहीं रह जाता था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, अचानक फ्लोरा ने कहका लगाया। उसके तासुरात यकदम ही तब्दील हो गए थे। अच्छा, मैंने भी जवाब में एक कहका लगाया। मैं भी मजाक कर रहा था, चेक कर रहा था कि तुम कितने पानी में हो, वरना यह कैसे मुमकिन है कि मुझ जैसे वजीहा आदमी से कोई लड़की मुंह मोड़ ले। फ्लोरा बुरी तरह जल गई होगी, मगर मुंह से कुछ नहीं कह सकती थी। मैं उसे ऐसी धमकी दे चुका था जिसके बाद वो मेरी मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज बोलने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। उसके तासरात से अंदाजा होता था कि वो जल्द बुनकर कबाब हो गई होगी, मगर वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह अपने जज्बात का इजहार न होने दे। तुम कुछ बोल नहीं पाई, मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? नहीं, तुम शहजादा गुलफाम हो, तुम्हें कोई लड़की भला किस तरह ठुकरा सकती है। मेरा ख्याल है तुम्हारे पीछे तो लड़कियों की फौज लगी रहती होगी। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम्हारे लहजे से इस बात का अंदाजा होता है। अब मुझे मादाम क्लारा से बात करनी ही होगी। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही? फ्लोरा संभल कर मुस्कुराई। तुम्हारी शख्सियत में वाकई ऐसी वजाहत है कि लड़कियां तुम्हारी कुर्बत की तमन्ना करती होंगी। इस बार उसके लहजे में शिरीनी थी और इस शिरीनी ने झिंझलाहट और खौफ की इंतहा से जन्म लिया था। तुम बहुत समझदार हो फ्लोरा, मैंने दिल ही दिल में मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारा जोक भी बहुत उम्दा है। फ्लोरा कुछ नहीं बोली। शायद उसने मुनासिब यही समझा होगा कि मेरे सामने कम से कम बात करे ताकि उसके मुंह से कोई औंधी सीधी बात ना निकलने पाए। तुम क्राउन क्लब गई थी, वहाँ एडगर और टोनी भी कहीं दिखाई दिए? नहीं, वो दोनों जेरे आताब हैं। अगर उनका जुर्म सिर्फ तुम्हें लूटने की हद तक होता तो शायद उनकी गुलू खुलासी हो जाती, मगर वो इससे भी आगे बढ़ गए थे। अब उन्हें बहुत सख्त सजा दी जाएगी। मैंने इस बात में सर हिलाया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? 12 बज चुके हैं, क्या सोगी नहीं? मेरा तो कॉफी पीने को जी चाह रहा है, फ्लोरा ने यूं कहा जैसे मुझे चिढ़ाना चाह रही हो। उसे क्या मालूम था कि मैं खुद जागने के मूड में हूँ। जी तो मेरा भी चाह रहा है, मैंने कहा, मगर यहाँ नहीं, कॉफी शॉप में चल कर पियेंगे। चलो, फ्लोरा खिल उठी और हम दोनों कमरे से बाहर निकल आए। कमरे से बाहर राहदारी में निकला तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई शख्स राहदारी में मौजूद था जो हमें बाहर निकलते देख कर छुप गया हो। मैंने फ्लोरा की तरफ देखा मगर उसके चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं था। मैं मोहतात हो गया, मालूम नहीं राहदारी में कौन था। मैं और फ्लोरा लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे थे कि राहदारी की मोड़ पर मुझे एक शख्स नजर आया जिसने स्याह सूट पहन रखा था। उसके सर पर स्याह फ्लैट हैट था और टाई भी स्याह थी। वो सीधा हमारी तरफ आ रहा था। आप लोग कहाँ जा रहे हैं जनाब, उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में मुझसे पूछा। तुम कौन हो? मैंने बिगड़े हुए तेवरों के साथ उससे सवाल किया। हमें मादाम क्लारा की तरफ से आपकी निगरानी करने का हुक्म मिला है जनाब, उसने बदस्तूर मुअद्दबाना अंदाज में कहा। आपके लिए बेहतर यही है कि आज की रात अपने कमरे तक महदूद रहें। ये मशवरा तुम्हारा है या? हम लोग अपनी मर्जी से कोई कदम नहीं उठाते जनाब, उसने कहा। मादाम जो हुक्म देती हैं उसे बजा लाते हैं। मादाम क्लारा का शुक्रिया अदा कर देना और उनसे कहना कि मुझे निगरानी की कोई जरूरत नहीं है। मादाम क्लारा का ख्याल है कि आज रात आपको रीना सालोमन की तरफ से कोई खतरा पेश आ सकता है। फर्ज करो मैं तुम्हारा कमरे तक महदूद रहने का मशवरा मानने से इनकार कर दूं तो हम क्या कर सकते हैं जनाब, उसने बेबसी से कहा। हमें तो आपकी निगरानी का हुक्म मिला है, हम अपना काम पूरा करते रहेंगे। अब हम कॉफी शॉप में कॉफी नहीं पियेंगे, मैंने फ्लोरा से कहा। हमें मादाम क्लारा के मशवरे का एहतराम करना चाहिए। फ्लोरा ने इस बात में सर हिलाया और कमरे की तरफ पलटने लगी। इधर कहाँ जा रही हो? मेरा मतलब था अब हम किसी और होटल में चलेंगे। क्या कह रहे हो? फ्लोरा ने हैरत से कहा। क्या तुमने मादाम का हुक्म नहीं सुना? एडम डी फ्लोक अपने अफाल में मुकम्मल खुद मुख्तार है, मैंने नखुवत का मुजाहरा किया। इस किस्म के अहकामात दूसरों के लिए होते हैं। तुम्हें अगर कॉफी पीनी हो तो कमरे में चल कर पियो, मैं तुम्हारे साथ होटल से बाहर नहीं जाऊंगी। चलो, मैं उसका बाजू पकड़ कर घुराया। फ्लोरा इससे कबल भी मेरी गिरफ्त का कमाल देख चुकी थी। उसके चेहरे पर मूर्धनी छा गई थी और उसने बेबसी से स्याह सूट वाले की तरफ देखा। आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए मिस्टर फ्लो, स्याह सूट वाले ने कहा। उसका लहजा नरम था मगर उसमें धमकी भी पोशीदा थी। और अगर मैं जबरदस्ती पर असरार करूं तो तुम क्या करोगे? मैंने तहकीर आमेज अंदाज में कहा। मैं यहां तन्हा नहीं हूं मिस्टर फ्लो, मेरा एक साथी और भी है।
उसने राहदारी के मोड़ की तरफ देखा। अच्छा, मैंने मुजहिकाना अंदाज में कहा, गोया तुम मुझे धमकी दे रहे हो। स्याह सूट वाले के अंदाज से यूं लग रहा था जैसे फैसला ना कर पा रहा हो कि उसे क्या करना चाहिए। उधर मेरा अंदाज देखकर फ्लोरा बुरी तरह नर्वस हो गई थी। रहने दो एडी, उसने खुशामदाना अंदाज में कहा, खामखा झगड़ा करने से क्या फायदा, झगड़ा मैं कर रहा हूँ। मैंने आंखें निकाली, तुम देख नहीं रही कि ये खुद आकर मुझसे उलझा है। हम बहुत खराब लोग हैं मिस्टर फ्लोक, इस सिलसिले में हमें कोई वाज़ह हिदायत नहीं मिली कि ऐसी सूरत हाल में हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, लिहाजा हम आजाद हैं। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? अचानक फ्लोरा बिफर गई, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मिस्टर फ्लोक से उलझ कर तुम अपना ही नुकसान करोगे। हम सरों से कफन बांध कर मैदान अमल में उतरते हैं मिस फ्लोरा, स्याह सूट वाले ने कहा, लिहाजा किसी से मरूब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फ्लोरा ने जिंजलाकर कहा, मैं मिस्टर फ्लोक के साथ अपनी मर्जी से जा रही हूँ, अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है, आओ एडी चलें। उसने मेरे हाथ में हाथ डालते हुए कहा, और मैं स्याह सूट वाले पर एक तहकीर आमेज नजर डालता हुआ फ्लोरा के साथ लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। स्याह सूट वाले के चेहरे पर नागावारी का कोई तासुर नहीं था, वो ईगल्स का बाकायदा तरबियत याफ्ता एजेंट मालूम हो रहा था। तुम वहशी आदमी हो, फ्लोरा ने लिफ्ट में नीचे जाते हुए मुझसे कहा, बिला वजह दूसरों से उलझने के मौके ढूंढते फिरते हो। फिर वही बात, मैंने जिंजला कर कहा, वो खुद आकर मुझसे उलझा था और तुम मुझको इल्जाम दे रही हो। अच्छा बाबा, फ्लोरा ने जिच होकर कहा, जो तुमने किया वही ठीक था, दूसरे तमाम लोग गलत हैं, बस एक तुम ही दुरुस्त हो। अब तुमने एक माकूल बात की ना, मैंने खुश होकर कहा, और फ्लोरा बेजारी से दूसरी तरफ देखने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर पहुँच कर हम लिफ्ट से बाहर निकले। जिद छोड़ो, हम यहीं कॉफी पी लेते हैं, फ्लोरा ने मुझसे कहा। एडम डी फ्लोक अपने फैसले तब्दील करने का आदि नहीं है, मैंने कहा, और फ्लोरा की तरफ देखे बगैर होटल के बैरोनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फ्लोरा मेरे साथ साथ आ रही थी। बाहर आकर मैंने एक गुजरती हुई टैक्सी को हाथ देकर रोका और उसे बंदरगाह के इलाके में चलने को कहकर फ्लोरा के साथ टैक्सी में बैठ गया। रात के 12 बज चुके थे, इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने मीटर से दुगने पैसे तलब किए थे और मैं उसे बहस के बगैर तैयार हो गया था। हम कहाँ चल रहे हैं, फ्लोरा ने टैक्सी में बैठने के बाद मुझसे पूछा। वो पीछे रह जाने की वजह से ये नहीं सुन सकी थी कि मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहाँ चलने को कहा है, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं, मैंने कहा। जब पहुँचेंगे तो तुम देख ही लोगी, तुम बहुत जिद्दी बल्कि जकी आदमी हो, फ्लोरा ने कहा। आखिर उनकी बात मान लेने में क्या हर्ज था, मादाम ने जो भी फैसला किया है तुम्हारे मफाद में ही किया है। एडम डी फ्लोक को ये हरगिज पसंद नहीं है कि उसके मफादात के फैसले दूसरे करें, मैंने खुश्क लहजे में कहा, और फ्लोरा ने खामोश हो जाने में ही आफियत जानी। मेरे जहन में कोई खास बात नहीं थी, सिर्फ इतना था कि अब से चंद ही घंटे बाद ईगल्स के चार अड्डों पर तबाही फैलने वाली थी। मैं चाह रहा था कि जिस वक्त वो तबाही फैले मैं उनकी नजरों के सामने मौजूद रहूं। पहले मेरा प्रोग्राम था कि फ्लोरा के साथ जागता रहूंगा ताकि उन लोगों को अगर मुझ पर कोई शुबा हो तो उनके जहन साफ हो जाएं। मेरा ये मसला स्याह सूटों वालों ने हल कर दिया था। उनके टोकने पर मेरा रद्देमल अली यार खान का नहीं बल्कि एडम डी फ्लोक का रद्देमल था। एडम डी फ्लोक जो शुरू से ही एक जिद्दी और खुद सर शख्स के रूप में मंजरे आम पर आया था, जिसने किसी से मरूब होना नहीं सीखा था और जो हर फन मौला था। किस तरफ जाना है साहिब, टैक्सी ड्राइवर की आवाज ने मुझे चौंका दिया। हम बंदरगाह की तरफ जाने वाली सड़क पर पहुंच चुके थे। बस यहीं रोक दो, मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा और उसने टैक्सी रोक दी। मैंने टैक्सी से उतरकर किराया अदा किया और फ्लोरा का हाथ थाम कर क्रिफ्ट पाथ पर चढ़ गया। यहाँ तुम किस लिए आए हो, फ्लोरा ने हैरत से कहा। ये इलाका तो जराम पेशा लोगों का अड्डा है और मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैंने हंसकर कहा। तभी दो स्याह फरिश्ते मेरा ताकुब कर रहे हैं। मैंने उस कार की तरफ इशारा किया जिसमें वो दोनों स्याह सूट वाले मौजूद थे। वो तुम्हारी हिफाजत पर मामूर किए गए हैं और तुमने तहिया कर लिया है कि उनके काम को ज्यादा से ज्यादा मुश्किल बना दोगे, और ये कि तुम हरगिज़ शरीफ आदमी नहीं हो मगर अपने हुलिये से बदमाश नजर नहीं आते। मैं फ्लोरा का हाथ थामे एक शराब खाने की तरफ बढ़ रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो, फ्लोरा ने हैरत से कहा। मुझे मालूम है यहाँ कॉफी नहीं मिलेगी मगर मैं तुम्हें शीरी पिलाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, फ्लोरा ने भुना कर कहा। मैं ऐसे घटिया शराब खाने में जाऊंगी जहाँ कोई आदमी भी कदम रखने से पहले एक बार गौर जरूर करता है। एडम डी फ्लोक जो कह देता है वो करके रहता है। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। फ्लोरा खामोश हो गई, वो मेरे साथ बस घिसट रही थी। उसे मालूम था कि मैं किसी को भी खातिर में नहीं लाता। फॉक्स ट्रेट का हशर वो अपनी आंखों से देख चुकी थी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि ये कितना खतरनाक इलाका है, फ्लोरा ने एक बार फिर मुझे रोकने की कोशिश की। यहाँ के शराब खानों में शहर भर के बदमाश जमा होते हैं,
तुमने पहले बता दिया होता तो मैं पहले ही यहाँ का रुख करता। मुझे अफसोस है कि अब तक इस बात से ला इल्म रहा और यहाँ से वापसी के लिए सवारी भी नहीं मिलती। सरे शाम ही यहाँ सन्नाटा छा जाता है, फ्लोरा ने आखिरी कोशिश के तौर पर कहा। वापसी की तो परवाह ही मत करो, हमारे सिया फरिश्ते मौजूद हैं, वो हमें किसी मुश्किल में देखकर हमारी मदद जरूर करेंगे।